दोस्तों तो कैसा तो अभी मत वीडियो में हाँ और बुराई कर रहा मैं मेरे गांव का ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोग मेरे साथ आओगे। लेट्स गेट बिहाइंड। तो गाइस ये देखो, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये अब्दुल है और ये अमित है। पानी पियो ना थोड़ा। और हमारी पार्टी हो गई है। तो गाइस अभी पर उनको ज्यादातर मस्कुलर करनी है। 3 बज रहे हैं और कौन सा ढाबा है? ढाबा नहीं है ना कोई? चाय वाली है, पटरी पटरी है जहाँ पे हम लोग रुके। और ये लोग देखो नाश्ता खाएगा, मेरा भी सूप आएगा तो मैं सूप पीऊंगी अभी। अब खाना है चॉकलेट है। मम्मी मम्मी और कुछ चाहिए? राइस चाहिए ना? हाँ, मेरे डैडी भी आएंगे। अभी चैनल है सब्सक्राइब कर करिए लीला के। थोड़ा ताऊ बाऊ काम तो ये जरा ओवर है। मैं ज्यादा बोलूँगी बहुत वॉइस है वो अगर आवाज आए। चल रहा है वो पकड़े हुए थे वो निकल गया। ये मेरे अब्बा का भी चैनल है, जाके सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, लाइक करो दोस्तों, शेयर करो। वो इंस्टाग्राम वाला बंदा जो इधर बैठा है ब्लू टी शर्ट पे, तुम्हारा मामू ससुर तो वो कुछ आ रहे भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये मुसाइल मुके जैसा बैठा हुआ है ये भी। और अभी हम लोग जा रहे रात सुबह के पास 3 बज रहे, बल 4 बजने वाले हैं। और अभी हम लोग कानूनी के लिए निकलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम लोग आ गए होटल लैंडमार्क और अभी हम लोग गुजरात के अंदर है। तब से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी।
अभी हम लोग अभी बस 15 से 10 में फिर हम लोग पहुँच जाएंगे, तो तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब हम पहुँच चुके पानोली और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है और काफ़ी थक भी गए हम, रात नाइट का सफ़र था दोस्तों। और हम लोग अभी बस एक 10 मिनट का, और 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। काफ़ी अच्छा वेदर है, ग्रीनरी है, लेकिन बारिश नहीं है गाइज। यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं है। सूरत तक बारिश लगी हुई थी, सूरत के बाद में हमको बिल्कुल बारिश नहीं है, पूरा रोड सूखा है गाइस। काफ़ी अच्छा वेदर है, लेकिन मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, बहुत ही अच्छा मतलब है। यहाँ के लोग सब अपने अपने जॉब पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छे से यहाँ पे लोग दिख भी रहे। और बस हम पहुँचने ही वाले हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है और बहुत से फैक्ट्रीज़ है इधर। एक्चुअल में ये इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे दवाइयाँ, गोली, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस वगैरह, केमिकल सब बनता है यहाँ पर। गांव से दूर है, गांव के पास नहीं है, गांव से दूर है ये। और गाइस यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो पाइपलाइंस वगैरह एकदम सिस्टम से, जो भी वैक्यूम है, धुआँ है, डस्ट वाला धुआँ है, उसको बराबर पाइप से ये कर दिया गया है। और गाइस काफ़ी अच्छे से उसको सिस्टम से बनाया गया है ताकि किसी को प्रॉब्लम या गाँव वालों को तकलीफ ना हो। और गाइस चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। देखिए ये पानी की टाकी है, बहुत बड़ी टाकी है। और गाइस ये देखो पाइपलाइन भी कितना सिस्टम से रखा है, इसमें से गैस सप्लाई का पाइप दिख रहा है ये। और गाइस हम आगे चलते और देखते हमारा गांव आने तक का, घर आने तक का, सॉरी गांव नहीं, गांव में तो आ चुके हैं हम लोग, घर आने तक का। और आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे और चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। अभी तो हम गांव अंदर एंट्री कर चुके हैं, पहले हमको ये सब इंडस्ट्रियल एरियाज़ वगैरह लगेंगे और उसके बाद में हमें रेलवे ट्रैक लगेगा। रेलवे ट्रैक के बाद दोस्तों गांव लग जाता है, वहाँ पे मतलब फिर रेसिडेंसी एरिया है। बहुत अच्छे अच्छे बंगलोज़ है, मोस्टली बंगलोज़ बने हुए ज़्यादातर, बिल्डिंग्स वगैरह बहुत कम है। तो देखते हैं थोड़ा दोस्तों वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, फिर मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए बाय। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए और बहुत सी चीज़ें आगे शेयर करूँगा और बताऊँगा, तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए।
ओ भाई बहुत खूबसूरत, इसे कहते हैं नहर। इसको गांव में लोग नहर बोलते हैं और यहां पे लोग गांव के कपड़े धोने आते हैं। ये काफ़ी अभी खाली है, जब ये भरा हुआ होता है तो इसके साइड में जो स्लोप बना हुआ है गाइस, उस पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल है, स्लिप हो जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना होता है। चलो आगे चलती है, चलते हैं आगे गाइस। और अब आ गया है फाटक, ये रेलवे ट्रैक। और गाइस अभी ये ओपन है, ट्रेन आने का टाइम नहीं है तो इसलिए ये ओपन है। जब ट्रेन आती है टाइम हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ओपन है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लकी है कि ओपन मिला। और गाइस आपको दिखाते हैं पानोली प्लेटफॉर्म, काफ़ी खूबसूरत सुंदर। और ये पानोली का प्लेटफॉर्म का बोर्ड है, अभी ट्रेन का टाइम नहीं इसलिए खाली दिख रहा है गाइस। चलो आगे चलते हैं। ये मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी पुरानी है गाइस। ये आगे चलते और देखते हैं गाइस, ये बंगला है। देखो मैंने कहा था कि बहुत बंगले हो गए, रो हाउस बंगलोस यहाँ पे काफ़ी है, सबका सेपरेट है। माशाल्लाह कलर भी बहुत देखो खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और गाइस आगे चलते देखिए, ये भी एक बंगला है। और एक गाइस देखो, ये भी एक बंगला प्लस डिस्पेंसरी, यानी यहाँ पे क्लिनिक भी चल रहा है, दोनों काम एक ही चीज़ में, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो आगे चलते देखिए गाइस, ये मस्जिद है, ये भी काफ़ी पुरानी मस्जिद है, आज भी माशाल्लाह खूबसूरत दिख रही है, कलर बड़ा प्यारा है आज भी और हरियाली है। चलो आगे चलते गाइस, हमारा घर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। देखिए लाइन से, सब के लाइन से रो हाउस और बंगलोज के जैसा बनाया है, और ये हमारा घर आ चुका है, ये बैक साइड है। और गाइस अभी हम फ्रंट साइड जाएंगे मेन डोर पर, वहाँ पे गाड़ी रुका कर सामान उतार लेंगे। और गाइस हम लोग अभी काफ़ी थक भी चुके हैं और मेरी बैटरी भी डाउन है, तो गाइस अभी यू टर्न मारने के बाद शायद मेरी मोबाइल की बैटरी भी ऑफ हो जाए। लेकिन गाइस आप बने रहिए, मैं और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय।